Hello everyone. So welcome to the second class of permutation and combinations. In the first class, I was concentrating majorly on questions that were related to combination and selection based questions. आज की क्लास में बेटे जो मेरा मेजर कंसंट्रेशन रहेगा दैट वुड बी ऑन अरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, परम्यूटेशन भी बोल सकते हो. मेजरली मैं तीन काइंड ऑफ अरेंजमेंट्स की बात करूंगा. टू स्टार्ट विद आई विल गो डाउन टू द वर्ड अरेंजमेंट्स और लेटर अरेंजमेंट. सेकंड बेटे हम लोग नंबर फॉर्मेशन पे जाएंगे और थर्ड सिटिंग अरेंजमेंट पे जाएंगे. इन बेसिक तीन अरेंजमेंट्स के बेसिस पे हम बहुत सारे और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. नाउ टू बिगिन विद, अगर मुझे एक सिंपल अरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चन की बात करनी है, एक सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ. सपोज I've given the word board and I says I need to form all words using the letters of the word board exactly once. तो मैं कहना क्या चाहता हूं, मुझे एक फाइव लेटर का वर्ड बनाना है. वहां पे मुझे ये पांच जो लेटर्स हैं दैट इज बी ओ ए आर डी ए यूज करने हैं. सो इन अ वे मैं क्या कहूंगा, मेरे पास फाइव प्लेसेस हैं. फाइन, अब ये पांच लेटर्स में से कोई भी एक लेटर यहां पे आ सकता है. सो आई से द फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन फाइव वेज. अब ये बेटे अरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, सिलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन नहीं है. सो जहां अरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चन होता है उसमें हमेशा सोचना बेटर क्या है, फर्स्ट प्लेस कितने वेज में फेल हो सकता है, वुड बी फाइव वेज. अब इन फाइव में से जो भी एक यूज हो गया वो अगली प्लेस पे यूज नहीं हो सकता. सो नेक्स्ट प्लेस हैव फोर ऑप्शन. जो बचे हुए चार है उनमें से कोई एक यहां पर आएगा. नेक्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन थ्री वेज, टू वेज एंड वन वेज. सो आई वुड से द आंसर हैज टू बी 5 फैक्टोरियल विच इज 120. तो अगर ज्यादा कुछ ना दिया हो तो जब मेरे पास वर्ड फॉर्मेशन का क्वेश्चन है, इट इज अ क्वेश्चन ऑन अरेंजमेंट. तो आई वुड से इफ इट्स अ फाइव लेटर वर्ड ऑब्वियसली आई विल हैव टू गो विद 5 फैक्टोरियल. फाइन, अब ऑब्वियस इतना सीधा नहीं आता, कुछ कंस्ट्रेंट्स के साथ आता है. सो जस्ट टू सेव टाइम मैं वर्कशीट्स के साथ मूव करूंगा. आई होप आप सबके पास वर्कशीट है. फर्स्ट क्वेश्चन देखो बेटे, अपने आप में काफी स्ट्रेट हो जाएगा. When he says, I have to form words using the letters of the word chairs. अभी के लिए बेटे एक चीज एम्फसाइज है, यहां पे जब मैं वर्ड चेयर्स की बात कर रहा हूं, सारे लेटर्स अलग अलग हैं और सिक्स लेटर्स हैं. तो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन सिक्स वेज, नेक्स्ट वुड बी फाइव, देन फोर. सब यूज करने हैं, सो आंसर हैज टू बी 6 फैक्टोरियल. That would be 720. Perfect. वहीं जब मैं सेकेंड क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, तो इट सेज इन हाउ मेनी वेज कैन वी अरेंज ऑल द वाउल्स ऑफ द वर्ड एप्टीट्यूड. नाउ बेटा लुक एट द वाउल्स इन द वर्ड एप्टीट्यूड. इफ द वर्ड इज एप्टीट्यूड, आई हैव हाउ मेनी वाउल्स, 1, 2, 3 and 4. सारे अलग अलग हैं. सो मुझे इन चार लेटर्स को, चार वाउल्स को अरेंज करना है. सो इनके लिए मेरा आंसर कितना हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल. बिकॉज जब मैं इन 4 को अरेंज करूंगा, फर्स्ट कैन बी फिल्ड इन 4 वेज, देन कैन बी फिल्ड इन 3 वेज. श्योर. थर्ड क्वेश्चन में एक छोटा सा चेंज है. वर्ड है बेटे डस्टर, 6 लेटर वर्ड है. अगर मैं डस्टर के साथ सारे वर्ड्स बनाने जाऊं तो मेरा आंसर क्या होगा, 6 फैक्टोरियल. सारे अलग अलग ही थे. बट एक चीज का ध्यान रखना, उसने क्वेश्चन में पूछा हुआ, इन हाउ मेनी वेज कैन वी रीअरेंज द लेटर्स ऑफ द वर्ड डस्टर. रीअरेंजमेंट का क्या मतलब है, जब मैंने 6 फैक्टोरियल 720 लिखा, ये 720 कहां से आया, 6 फैक्टोरियल से. इनमें सारे अरेंजमेंट्स हैं, जिसमें एक अरेंजमेंट डी यू एस टी आर का अपना भी है. क्योंकि क्वेश्चन रीअरेंजमेंट की बात कर रहा है, तो आई वुड इग्नोर दिस अरेंजमेंट. सो आई वुड से माय आंसर हैज टू बी 719. सो माय आंसर वुड बी -1 इफ दे आर यूजिंग द वर्ड दैट यू हैव टू रीअरेंज द लेटर्स. दैट मींस ओरिजिनल अरेंजमेंट ऑफ डस्टर इज नॉट टू बी इंक्लूडेड. फाइन, सो मैं आंसर में 719 मार्क करूंगा, 720 मार्क नहीं करूंगा. श्योर. ये तो हो गए बेटे बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन, यहां पर कोई कंस्ट्रेंट्स नहीं थे, कुछ कहा नहीं हुआ है. अब पेपर में हल्का सा कुछ कंस्ट्रेंट डाला होता है. आई होप यू कैन रीड क्वेश्चन नंबर 4 to 10 एंड ट्राई वंस. पॉज करके खुद ट्राई करो, देन लुक डाउन टू द सॉल्यूशंस.
ओके, आई होप आपने एक बार ये ट्राई किया, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इतना मुझे क्लियर है। अगर मैं टेबल्स को ध्यान से देखूं, तो यहाँ पे 6 letter word है, टोटल अरेंजमेंट्स अगर पूछे होते तो 720 हैं, बट क्वेश्चंस में कुछ कंस्ट्रेंट्स डाले हुए हैं। पहला क्वेश्चन बेटे वो पूछ रहे हैं, हाउ मेनी वर्ड्स कैन शी मेक सच दैट द वर्ड्स एंड्स विद द लेटर टी। अब बेटे इट हैज टू एंड विद द लेटर टी, दैट मीन्स ये जो 6 letter word बनाना है इसके लास्ट पे टी होना चाहिए, सो कैन बी फिल्ड इन ओनली वन वे, लास्ट लेटर के पास कोई ऑप्शन नहीं है। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं पहले कंस्ट्रेंट को देखो, उस कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई कराओ उसकी कितनी ऑप्शंस हैं, बिकॉज लास्ट लेटर हैज टू बी टी, सो दैट कैन बी फिल्ड इन ओनली वन वे, रिमेनिंग 5 letters and 5 places कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, सो उनके लिए कितने अरेंजमेंट्स होंगे, हैज टू बी 5 factorial 5 4 3 2 1। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर वुड बी 5 factorial into 1, दैट इज 120। फाइन, गुड। सेकेंड क्वेश्चन सेज, क्वेश्चन नंबर 5th, हाउ मेनी वर्ड्स स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद द कॉन्सोनेंट्स कैन बी मेड। नाउ लॉजिकली बेटे आई हैव टू मेक श्योर कि उसके फर्स्ट पे भी कॉन्सोनेंट हो और लास्ट पे भी कॉन्सोनेंट्स हो। मेरे पास बेटे 4 consonants हैं और 2 vowels हैं। अब इन 4 consonants में से मुझे किसी एक को फर्स्ट प्लेस पे रखना है, सो आई वुड से फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 4 ways। मैं अभी लिख के दिखा रहा हूँ, लास्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 3 ways। बचे 4 में से कोई एक यहाँ यूज हो गया, जो बच गए 3 उनमें से कोई एक यहाँ यूज करूंगा, तो फर्स्ट और लास्ट प्लेस के लिए 4 and 3 हैं, बीच में मेरे पास कोई 4 letters बचे होंगे। अब वो वाउल्स हैं या कॉन्सोनेंट्स हैं, कैसे अरेंजमेंट है उसमें कुछ भी हो सकता है, कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, तो बीच में कितने अरेंजमेंट्स होंगे, 4 factorial। तो आप इसे ऐसे लिख सकते थे, 4 into 3 into 4 factorial, विच इज 12 into 24। कंफर्टेबल, दैट वुड टर्न आउट टू बी 288। फाइन, कैलकुलेशंस कर सकते हो, शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। थर्ड क्वेश्चन, इट सेज क्वेश्चन नंबर 6 में, हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन विच ऑड प्लेसेज आर ऑक्यूपाइड बाय कॉन्सोनेंट्स। अगेन वी हैव गॉट 6 letter word, अभी के लिए लिख के देखो, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, ओरली भी कर लोगे। फर्स्ट प्लेस, थर्ड प्लेस एंड 5th place हैज टू बी फिल्ड विद अ कॉन्सोनेंट। हमारे पास 4 consonants है, उसमें से दैट मीन्स दिस प्लेस विल हैव 4 options, दिस प्लेस विल हैव 3 options एंड दिस प्लेस विल हैव 2 options। I have to fill these places with consonants. तो इन 4 में से कोई एक यहाँ आएगा, अब 3 बचे होंगे, उस 3 में से कोई 1 यहाँ आएगा, we are left with 2, उसमें से कोई एक यहाँ आएगा, so this will have 2 options. अब logically देखो तो बेटे मैंने इन 4 में से 3 consonants already use कर लिए हुए हैं, अब मेरे पास एक consonant बचा होगा और 2 vowels बचे होंगे, यहाँ पे vowel भी आ सकता है, consonant भी आ सकता है, तो this can be filled in 3, 2 and 1. सो प्लीज मेक श्योर कि हमने पहले कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई किया, तो पहले बेटे मैंने 4, 3, 2, बिकॉज ऑड प्लेसेस हैज टू हैव कॉन्सोनेंट्स। अब मेरे पास 3 consonants यूज हो गए, 1 consonant और 2 vowel बचे हुए हैं, जो 2 vowels और 1 consonant बचे हुए हैं उसमें से कोई एक यहाँ आएगा, दैट मीन्स आई विल हैव 3 options हियर, विल बी लेफ्ट फॉर 2, विल बी लेफ्ट विद 1। कंफर्टेबल, नाउ वी कैन कैलकुलेट, दिस इज 4 into 9, 36 into 4 कर लोगे, दैट वुड बी 120 प्लस 24, दैट इज 144। आई होप मेक सेंस, श्योर। अगला क्वेश्चन बेटे 7th करवा रहा हूं, चलो एक बारी पहले खुद ट्राई करो, फिर से वीडियो पॉज करके। ओके, क्वेश्चन नंबर 7th कह रहे हैं, आई वॉन्टेड ऑल वाउल्स शुड बी टुगेदर। जब भी अरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, दिस सेज समथिंग हैज टू बी टुगेदर, उसको करने का बेस्ट लॉजिक क्या होता है, जिसको इकट्ठे रखना है उसको एक ग्रुप मान लेते हैं, वी कंसिडर देम एज वन एंड नॉट डिफरेंट आर्टिकल्स। अब बिकॉज आई नीड वाउल्स टू बी टुगेदर, सो आई विल कंसिडर ए एंड ई एज वन ग्रुप। जैसे मैंने इन्हें पेस्ट कर दिया गम से और इन्हें एक बना दिया, अब ए और ई इकट्ठे होने चाहिए। इसके अलावा मेरे पास क्या क्या है, टी, बी, एल और एस। सो मैं क्या कहूँगा, मेरे पास देर आर टोटल ऑफ 5 things, दैट मीन्स अब फर्स्ट प्लेस पे ये भी आ सकता है, ये भी, सो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 ways, नेक्स्ट प्लेस विल हैव 4, देन 3, देन 2, देन 1,
तो अगर ये एक ही होता तो हमारे पास टोटल कितने अरेंजमेंट्स होते, 5 फैक्टोरियल। कंफर्टेबल, मैंने ए को एक ग्रुप मान लिया, सो दैट इज व्हाई इट हैज टू हैव 5 फैक्टोरियल बेस। अब ए और ई क्या है, वो इकट्ठे होने चाहिए, पहले कौन है बाद में कौन है वो क्लियर नहीं है, तो इनको आपस में भी रीअरेंज किया जा सकता है, ए ई भी हो सकता है और ई ए भी हो सकता है। दैट मीन्स हर अरेंजमेंट में मैं ए ई की पोजिशन को इंटरचेंज कर सकता हूँ। तो हम क्या कहेंगे, क्योंकि यहाँ दो थे तो इनके अपने कितने अरेंजमेंट्स हैं, हैज़ टू बी 2 फैक्टोरियल। सो माई आंसर हैज़ टू बी 120 × 2, विच वुड टर्न आउट टू बी 240। कंफर्टेबल, जिनको इकट्ठे रखना है उनको पहले ग्रुप मान के सॉल्व कर लिया, फिर उनके अपने कितने अरेंजमेंट्स हैं वो देख लिया, मेरा आंसर आ जाएगा। फाइन, फिर इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, ऑल वाउल्स एंड ऑल कॉन्सोनेंट्स शुड बी टुगेदर। दैट मीन्स अब मेरे पास पहले सिर्फ दो ग्रुप्स हैं, या ये पहले आएगा या ये पहले आएगा, सो दैट इज वाई 2 फैक्टोरियल। अब हर में इनके कितने अरेंजमेंट्स हैं, ए ई कैन बी अरेंज इन 2 फैक्टोरियल, 4 लेटर्स कैन बी फर्दर अरेंज इन 4 फैक्टोरियल। सो माई आंसर गेट्स रिड्यूस टू 2 × 2 × 24 हैज टू बी 96। श्योर, कैलकुलेशन आप कर लोगे, आई वुड एक्सपेक्ट दैट। क्वेश्चन नंबर 9, इट सेज हाउ मेनी लेटर्स आर देयर विच ऑल वॉल्स आर नॉट टुगेदर। अब हमने लास्ट क्लास में भी किया था, ज्यादातर जब हम कहते हैं ये चीज नहीं होनी चाहिए, उसके लिए बेटर लॉजिक क्या होता है, टोटल में से वो केसेस माइनस कर दो व्हेन द थिंग इज हैपनिंग। अब अगर मेरे पास सारे वॉल्स इकट्ठे नहीं होने चाहिए तो मैं कहूंगा टोटल केसेस कितने थे, 720, ऑल वॉल्स आर टुगेदर इज 240। टोटल केसेस में से वो वाले केसेस सब्ट्रैक्ट कर दिए जहां सारे इकट्ठे हैं, सो ऑब्वियसली 720 में से 240 सब्ट्रैक्ट करोगे, योर आंसर टर्न्स आउट टू बी 480। सो क्वेश्चन सीधे होते हैं, इजियर होते हैं, यू नीड टू बी लेटर क्लियर विद द क्लेरिफिकेशंस। फाइन, फाइन, गुड। 10th, इन हाउ मेनी वर्ड्स द लेटर एल इज इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ बी। अंडरस्टैंड, एल और बी इकट्ठे भी होने चाहिए और इमीडिएट लेफ्ट भी होना चाहिए, उसके अलावा मेरे पास बेटे अब ए है, ई है, टी है और एस है, तो क्योंकि इकट्ठे होने चाहिए तो मेरे पास टोटल 5 ग्रुप्स हैं, उनके कितने अरेंजमेंट्स हैं, 5 फैक्टोरियल। फर्क सिर्फ इतना है, अब एल और बी को रीअरेंज नहीं कर सकता बिकॉज ये इकट्ठे भी होने चाहिए और इमीडिएटली लेफ्ट ही होना चाहिए, तो आई कैन नॉट गेट इन टू रीअरेंजमेंट ऑफ बी एल, सो द ओनली आंसर हैज टू बी नाउ 5 फैक्टोरियल। इंटू टू नहीं करूंगा बिकॉज इनका अब रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, सो माई आंसर हैज टू बी 120। प्रिटी स्ट्रेट, कुछ मुश्किल नहीं है, आई होप समझ आया। फाइन, अगला चीज समझा रहा हूं। ये बेटे वो वाले क्वेश्चंस हो गए जहां पर मेरे सारे लेटर्स अलग अलग हैं। अब कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जब मेरे कुछ लेटर्स सेम होते हैं। अगर बेटे मेरे कुछ लेटर्स सेम है तो मुझे क्या करना चाहिए, जैसे एग्जाम्पल लिया हुआ है टॉपअप का, नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने वर्ड यूज किया है टॉपअप। अब इसको समझने के लिए समझो, यहां पे दो पीस सेम है, अगर बच्चा दोनों पीस अलग अलग होते, मैं इसको P1 और P2 बोल दूं तो मैं क्या कहूंगा, कितने अरेंजमेंट्स हैं, 5 फैक्टोरियल, 5 लेटर्स हैं, अगर 5 के 5 अलग होते तो आंसर हैज टू हैव 5 फैक्टोरियल। अब होगा क्या, क्योंकि दोनों पीस सेम है तो मैंने जितनी बारी P1 को इधर लिया होगा उतनी बारी P2 को भी उधर लिया होगा, जब मैं अरेंजमेंट कर रहा हूँ तो अगर एक अरेंजमेंट ए होगा तो दूसरा अरेंजमेंट ये भी तो होगा। व्हाट डज दैट मीन्स, हर अरेंजमेंट को बेसिकली दो बार ले लिया होगा बिकॉज ये दोनों अलग अलग नहीं होंगे क्योंकि ये तो सेम ही थे। सो क्योंकि मुझे उनके अरेंजमेंट्स को खत्म करना है इसलिए जितने लेटर्स रिपीट कर रहे होते हैं हम उतने बारी डिवाइड करते थे। फाइन, तो इफ देर आर 2 P's आई ऑब्वियसली वुड गो एंड डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ पी, दो बारी पी आ रहे, इससे 2 फैक्टोरियल से डिवाइड हो गया। वहीं सपोज अगर वर्ड होता करियर, अब इसमें देखो क्या है, मेरे पास टोटल 6 लेटर्स हैं, 2 R's हैं
उनके रेपिटेशंस को, उनके अरेंजमेंट्स को खत्म करने के लिए डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, दो ईज हैं इसलिए उनके अरेंजमेंट्स को भी खत्म करने के लिए डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। कंफर्टेबल? ठीक है, वहीं देखो अगर वर्ड होता ई कॉमर्स, अब ध्यान से देखते हैं, बहुत सारे लेटर्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, सो टोटल अरेंजमेंट्स कितने हैं 9 फैक्टोरियल। अब ध्यान से देखो बेटे, ई इज अकरिंग फॉर 3 टाइम्स, इन तीनों के अरेंजमेंट्स को खत्म करने के लिए विल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, दो बारी सी आ रहे सो फर्दर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, दो बारी बेटे एम आ रहे सो डिवाइडेड बाय अगेन 2 फैक्टोरियल। ठीक है, ओ एक ही बारी है उसको फर्क नहीं पड़ेगा, आर एक ही बारी है उसको फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर कुछ ऐसा आ जाए जहां पर लेटर रिपीटेशन हो रही है, उनके अरेंजमेंट्स को खत्म करने के लिए जितनी बारी लेटर्स रिपीट कर रहे हैं उतनी बारी उससे डिवाइड हो जाएगा, फाइन। अब अगर इसमें कोई कंस्ट्रेंट भी आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देने के लिए समझा रहा हूं, सपोज वो कहते हैं लेटर करियर है एंड इन दिस केस आई विल वॉन्ट ऑल वाउल्स शुड बी टुगेदर। अगर मुझे सारे वाउल्स को इकट्ठे रखना है तो पहले मैं क्या सोचूंगा, ए ई और ई का एक ग्रुप है, इसके अलावा मेरे पास क्या है सी आर और आर, इनिशियली आई एम कंसिडरिंग देम एज डिफरेंट ईज एंड डिफरेंट आर्स टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। तो एक तरह से मेरे पास 6 लेटर्स हैं जिसमें से एक ग्रुप ये है और उसके अलावा देर आर 3 मोर, सो मेरा पहला स्टेप क्या होगा 4 फैक्टोरियल, 1, 2, 3, 4 अरेंजमेंट्स, देन इनके अपने कितने अरेंजमेंट्स हैं 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 3 लेटर्स से इनको रीअरेंज कर सकता हूँ। अब जब अरेंजमेंट कर रहा था तो दोनों ईज अलग अलग नहीं थे, सेम थे, तो उन ईज के अरेंजमेंट खत्म करने के लिए इसको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना है, और जो इनिशियल था उसमें दो आर सेम थे उसको भी 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना है। आप ऐसे लिखो, चाहे पहले इसको लिख के डिनोमिनेटर में, बाद में क्योंकि दो ईज दो आर है यू कैन डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। तो जहां पर लेटर सेम है मेक श्योर जितने रेपिटेशन हैं उतनी बारी उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करना जरूरी है, टू इग्नोर द अरेंजमेंट्स जहां पे ई ई को रीअरेंज किया हुआ है और आर को रीअरेंज किया हुआ है। कंफर्टेबल? इसी लॉजिक से क्वेश्चन नंबर 12 था, आराम से कर लोगे। गवर्नमेंट वर्ड है, 10 लेटर्स हैं, उसमें से बेटे मेरे पास दो बारी एन आ रहा है दो बारी ई आ रहा है, सो दैट हैज टू बी 10 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। श्योर? आई वुड एक्सपेक्ट एक बारी फिर से वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नंबर 13-18 खुद ट्राई करो। ओके, आई होप आप सबका हुआ एक बारी। ठीक है, चलो आई विल गो बाय द क्वेश्चन नंबर 13-18। नाउ द वर्ड गिवन इज कूल्स। जब मैं इस वर्ड को देखता हूं तो बेटे इट्स अ 7 लेटर वर्ड जिसमें दो बारी एस है और दो बारी ओ है, टोटल अरेंजमेंट्स कितने हैं 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन कह रहे हैं हाउ मेनी वर्ड्स स्टार्ट्स एंड एंड्स विद अ कॉन्सोनेंट। बच्चे देखो, अगर मुझे स्टार्टिंग और एंडिंग में कॉन्सोनेंट लेना है, पहले मेरे पास दो वाउल्स को छोड़ के बाकी सारे कॉन्सोनेंट्स हैं, तो आई वुड से फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 वेज। आई एम कंसिडरिंग बोथ एस एज डिफरेंट, पहले डिफरेंट मान के पूरा सॉल्व करेंगे। 5 कॉन्सोनेंट्स में से कोई एक फर्स्ट प्लेस पे आ रहा है तो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 वेज, लास्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 4 वेज। लास्ट में भी कॉन्सोनेंट चाहिए, जो पहले यूज हो गया वो लास्ट में यूज नहीं हो सकता। अब मेरे पास बीच में 5 लेटर्स बचे होंगे, उनके लिए कितने अरेंजमेंट्स होंगे 5 फैक्टोरियल। कंफर्टेबल? फाइनली हम डिवाइड कर लेंगे, 2 एस सेम है 2 ए सेम है, ठीक है, 2 ओ सेम थे 2 एस सेम थे,
टू इंटू टू फोर से कट जाएगा, सो द आंसर हैज टू बी 5 × 120 विच वुड बी 600। आई होप आप सबको समझ आया, कंफर्टेबल है? ठीक है, उसके बाद 14th क्वेश्चन, हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन विच ऑड प्लेसेस आर ऑक्यूपाइड बाय कॉन्सोनेंट्स। अब जब आप 14th क्वेश्चन की बात कर रहे हो, इट्स अ 7-letter वर्ड, मुझे यहां पे क्या रखने हैं? कॉन्सोनेंट्स। कुछ फर्क नहीं है, जैसे पहले कर रहे थे 5 consonants, एक यहां यूज हो गया, सो 4, 3 and 2। अब हमारे पास बेटे कितने बचे हुए हैं? 1 consonant in 2 vowels, सो दिस कैन बी फिल्ड इन 3 ways, 2-way and 1-way। ठीक है, 5, 4, 3, 2 का प्रोडक्ट करोगे तो बेटे 120 आ जाएगा, 120 × 6 वुड बी 720। फिर से बस करना क्या है, डिवाइडेड बाय 2 factorial × 2 factorial। मेरा पॉइंट क्लियर है कि फिर से डिवाइड क्यों किया? बिकॉज दोनों ओ सेम है, दोनों एस सेम है, उनके अरेंजमेंट्स को खत्म करना होता है। तो बच्चे आराम से 720 को 4 से डिवाइड कर लो, 180 आंसर आ जाएगा, इजी जॉब। कीप पॉजिंग योर वीडियोज एंड ट्राई योर सेल्फ बेटे, यू डोंट हैव टू लुक डाउन टू माई सोल्यूशन एवरी टाइम ना, अपने आप पहले खुद से समझो। मेरे पास 15th क्वेश्चन कह रहे हैं, हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन विच ऑल वाउल्स आर नॉट टुगेदर। हमने भी थोड़ी देर पहले किया, जब वाउल्स हैव टू बी टुगेदर निकाल के नॉट टुगेदर वाले केसेस में माइनस कर दूंगा। तो जब मैं 15th क्वेश्चन में जाऊंगा, मुझे पहले क्या देखना है, वाउल्स आर टुगेदर। अब अगर मुझे वाउल्स को इकट्ठे रखना था तो उनका एक ग्रुप बनेगा, अगर दोनों ओज इकट्ठे हैं उसके अलावा मेरे पास 5 और हैं तो टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो जाएंगे। ठीक है, अब ओ सेम है, इनको रीअरेंज करके बाद में, चाहे पहले इंटू टू करके बाद में डिवाइडेड बाय 2 करो, चाहे इग्नोर कर दो, इनके अपने कोई रीअरेंजमेंट्स नहीं है, बट दो एस हमने इसमें अरेंज किए हुए हैं, सो विल मेक श्योर डिवाइडेड बाय 2। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैंने इन दोनों को पहले अलग अलग लिया था इसलिए इसको डिवाइड किया है, आप चाहो तो इन ओ को अलग लेके इंटू 2 factorial कर लो, फिर उनके अरेंजमेंट खत्म करने के लिए फिर से डिवाइडेड बाय 2 factorial हो जाएगा। तो इवन इफ यू डू दैट और नॉट वुड मेक नो डिफरेंस, सो माय आंसर हैज टू बी 720 by 2, दैट इज 360। श्योर, क्वेश्चन नंबर 16th, हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन विच ऑल वाउल्स एंड ऑल कॉन्सोनेंट्स आर नॉट टूगेदर। ठीक है, सो सॉरी 15th वॉज नॉट दिस, 15th वॉज क्लियर, 15th सेज वाउल्स आर टूगेदर, सो हैज टू बी 6 factorial by 2 factorial, 17th सेज ऑल वाउल्स एंड ऑल कॉन्सोनेंट्स आर टूगेदर, सो ऑल वाउल्स एंड ऑल कॉन्सोनेंट्स आर टूगेदर, सो अगेन बेटे मेरे पास दो ही ग्रुप्स हैं, सो आई विल से 2 factorial, इनको अरेंज करो चाहे ना करो फर्क नहीं पड़ेगा, बट ये 5 हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, मैंने इनके अरेंजमेंट्स नहीं लिए थे इसलिए डिवाइड भी नहीं किया, आप चाहो तो इंटू 2 factorial करके बाद में भी 2 factorial से डिवाइड कर सकते हो, बट टोटल 2 ग्रुप्स, इनके अरेंजमेंट्स पॉसिबल नहीं है, बट इनके कितने अरेंजमेंट्स हैं? 5 factorial, और उन 5 factorial में बेटे फर्दर दोनों है सेम थे इसलिए डिवाइडेड बाय 2 factorial। कंफर्टेबल, गुड। अब 17th क्वेश्चन कह रहा है ऑल वाउल्स आर नॉट टुगेदर, तो 7 इस टोटल केसेस में से विच इज 720 by 4, 180 में से बेटे ये 60 केसेस सॉरी माइनस कर लोगे, हमारे पास टोटल ये 5040 था डिवाइडेड बाय 4, इसका जो रिजल्ट होगा बेटे वो कितना आ जाएगा, 1260। ठीक है, अब इस 1260 में से इसको माइनस कर दोगे 360 को, तो मेरा आंसर 900 आ जाएगा, 17th क्वेश्चन का आंसर। मैं बोल रहा हूँ मेरे पास टोटल केसेस कितने थे, 7 factorial, विच इज 5040। ठीक है, नहीं सो सॉरी 7 factorial, 5040 डिवाइडेड बाय 4, मेरे टोटल केसेस कितने हैं, 1260, उसमें से बेटे ये 360 केसेस माइनस हो जाएंगे। कंफर्टेबल,
और अगर मैं 18th क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ वो क्या कह रहा है, ऑल वॉल्स एंड ऑल कॉन्सोनेंट्स आर नॉट टुगेदर, फिर से टोटल केसेस में से मैं क्या माइनस कर दूंगा, वो वाले केसेस जहाँ पर इकट्ठे नहीं हैं, ठीक है, थीके? तो ये वाले केसेस उसमें से माइनस हो जाएंगे तो मेरा फिर से आंसर आ जाएगा। आई होप सबको समझ आ रहा है, श्योर, गुड इनफ, ग्रेट, इरेज कर दूं। ओके, आगे बेटे मेरे पास जो दिया हुआ है दैट इज मोर ऑन डिजिट अरेंजमेंट। ध्यान से देखो, अगर मैं डिजिट अरेंजमेंट की बात कर रहा हूं, नंबर फॉर्मेशन की बात कर रहा हूं, अगर कुछ नहीं दिया हो, कुछ स्पेसिफाई नहीं किया हो, तो हमारे पास कितने डिजिट्स हैं, दैट हैज टू बी 10 डिजिट्स, दैट इज फ्रॉम 0 to 9। फिलहाल उन्हीं की बात की हुई है। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहे हैं हाउ मेनी टोटल 4-डिजिट नंबर्स कैन बी मेड। तो बाय रूल्स ऑफ परमुटेशन अगर मैं एक 4-डिजिट नंबर की बात कर रहा हूं, बेटा मेरे फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज। फर्स्ट प्लेस पे 0 नहीं आ सकता, बट 1 to 9 तक कुछ भी आ सकते हैं। तो आई वुड से फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 9 ways। अब अगर कुछ स्पेसिफाई नहीं है और मुझे सारे 4-डिजिट नंबर्स बनाने हैं, सो वी कैन अंडरस्टैंड द डिजिट्स कैन रिपीट। जो फर्स्ट प्लेस पे है वो सेकंड प्लेस पे भी हो सकता है, वो थर्ड प्लेस पे भी हो सकता है। सो व्हाट डू आई से, फर्स्ट प्लेस पे जो भी आ रहा है लेकिन 0 नहीं आ सकता, सेकेंड प्लेस पे 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है टिल 9, तो सेकेंड प्लेस कैन बी फिल्ड इन 10 ways। सिमिलरली नेक्स्ट कैन बी फिल्ड इन 10 ways, सो माई आंसर हैज टू बी 9000। कंफर्टेबल? सो आई वुड से लाइक दैट, मेरे पास हर एक प्लेस पे कुछ भी आ सकता है, सिर्फ यहाँ पे 0 पॉसिबल नहीं है। तो 0 to 9 10 डिजिट्स हैं, फर्स्ट प्लेस विल हैव 9 ऑप्शंस, बट द रेस्ट प्लेसेस विल हैव 10 ऑप्शंस ईच। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 20th, इट सेज हाउ मेनी 4-डिजिट नंबर्स कैन बी मेड विदाउट रिपीटिंग डिजिट्स। नाउ दे हैव स्पेसिफाइड द डिजिट्स कैन नॉट रिपीट, द डिजिट्स हैज टू बी डिस्टिंक्ट, और कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। तो बेटा मैं पहले फर्स्ट प्लेस की जब बात करूंगा तो आई वुड से फर्स्ट प्लेस पे कुछ भी आ सकता है, 0 नहीं आ सकता। अब सेकेंड प्लेस पे क्या आ सकता है, जो फर्स्ट प्लेस पे यूज हो गया वो सेकेंड प्लेस पे नहीं आ सकता, रेस्ट 10 में से मतलब एक यहां यूज कर सकता हूं, तो यहां मेरे पास 9 ऑप्शन है। यहां 0 तो आ सकता है लेकिन जो यहां यूज कर लिए वो यहां नहीं आ सकता, सो दिस प्लेस विल हैव 9 ऑप्शंस। विद दिस सेम लॉजिक दिस प्लेस विल हैव 8 ऑप्शंस एंड दिस प्लेस विल हैव 7 ऑप्शंस। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बहुत ज्यादा नहीं है, आप 81 को 56 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा। कंफर्टेबल? गुड। 21st says, how many 5-digit numbers can be made with distinct digits such that odd places have odd digits? Now understand the idea. I have to form a 5-digit number where the odd places should have odd digits. Or constraint kya hai ki digits distinct honi chahiye. You cannot repeat the digits. So what will I do? I says mere paas 5 odd digits hain. That is 1, 3, 5, 7, and 9. उसमें से कोई एक यहां यूज करनी है, सो दिस प्लेस विल हैव 5 ऑप्शंस। अब जो यहां यूज कर ली वो यहां यूज नहीं कर सकता, पहले मैं कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करा रहा हूं, ऑड प्लेसेस पे ऑड डिजिट्स होनी चाहिए, तो दिस प्लेस विल हैव 4 ऑप्शंस एंड दिस प्लेस विल हैव 3 ऑप्शंस। 5 डिजिट्स ही, कोई एक यहां यूज हुई, रिमेनिंग में से एक यहाँ यूज हुई, रिमेनिंग में से एक यहाँ यूज हुई, तो यहाँ पे 5 ऑप्शंस हैं, यहाँ 4 हैं और यहाँ 3 ऑप्शंस हैं। अब ऐसा कुछ नहीं कहा हुआ कि इवन प्लेस पे क्या आना चाहिए, वो ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। सो मैं कहूँगा मेरे पास टोटल 10 डिजिट्स हैं, उसमें से कोई 3 यहाँ पे यूज हो चुकी हैं। व्हाट डज दैट मीन्स, दिस प्लेस विल हैव नाउ 7 ऑप्शंस एंड दिस प्लेस विल हैव 6 ऑप्शंस। सो टोटल केसेस निकालने के लिए मैं इन सबको मल्टीप्लाई कर लूंगा। कंफर्टेबल? दिस वुड बी 60 into 42 करूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। कंफर्टेबल? आई होप समझ आया। एक बारी फिर से वीडियो पॉज करके नेक्स्ट 3 को ट्राई करो।
ओके 22 करा रहा हूं। ट्वेंटी सेकेंड क्वेश्चन कह रहे हैं हाउ मेनी फोर डिजिट ऑड नंबर्स कैन बी मेड विच आर ग्रेटर देन 6000 प्रैक्टिकली। अब कंस्ट्रेंट क्या है, ऐसा नहीं कहा हुआ कि डिजिट सेम है कि रिपीटेशन है कि नहीं है, तो मतलब रिपीटेशन कर सकते हैं। 6000 से बड़ा होना चाहिए, ऑड होना चाहिए, तो आई कैन हैव नंबर लाइक 7777 ऑल्सो, फाइन। इसका मतलब मेरे दो कंस्ट्रेंट हैं, एक तो पहले लास्ट प्लेस पे मुझे क्या चाहिए, एन ऑड डिजिट। That means बेटे last place will have 5 options. Last place can be filled in 5 ways. First place it has to be greater than 6000. So बेटे 6000 से अगर बड़ा है तो मेरे पास 6, 7, 8 या 9 कुछ भी हो सकता है। That means it has to have 4 options. इस place पे मेरे पास 6, 7, 8 या 9 होना चाहिए। यहां पे 0 तो आ नहीं रहा है, दैट मीन्स जो भी नंबर होगा वो 6000 से बड़ा ही बनेगा। और कोई कंस्ट्रेंट दिया नहीं हुआ तो डिजिट्स रिपीट कर भी सकती हैं। सो यहां पे कोई भी 0 से 9 तक आए, यहां भी 0 से 9 तक कुछ भी आए, कोई फर्क नहीं है। कैलकुलेशंस आर प्रीटी स्टेट, 4 × 5 = 20 फॉलोड बाई 2 0, सो माई टोटल नंबर ऑफ ऑप्शन हैज टू बी 2000। इजी वन, गुड। अब 21st को ध्यान से समझना है, और सॉरी 23rd को। 23rd में ध्यान से देखो, उसने फर्दर दो केसेस बनाए हुए हैं। एक तो बच्चे वो कह रहे हैं 4 डिजिट इवन नंबर्स बनाने हैं एंड दे हैव टू बी ग्रेटर देन 6000। पहला कहा हुआ है रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड। अगर कुछ नहीं दिया हुआ था तो हम यही मान के चलते कि रेपिटेशन अलाउड है। अब एक 4 डिजिट नंबर बनाना है, इवन होना चाहिए। What does this means? Last place can be filled with 0, 2, 4, 6 or 8. So last place will have 5 options. इस place पे 6000 से बड़ा चाहिए तो मैं क्या कहूंगा, I'll have 4 options which is 6, 7, 8 and 9. Comfortable? Plus यहां पे repetition allowed है तो 10 and 10 है। अब इसमें बस एक छोटी सी गलती हो जाएगी, वो गलती क्या है बेटे, जब मैं इसको देख रहा हूं तो मैंने कहा यहां पे 6 आ सकता है, यहां पे 0 आ सकते हैं और यहां भी 0 0 आ सकता है। दैट मीन्स आई हैव ऑलरेडी इंक्लूडेड 6000, जबकि मुझे उसे ग्रेटर देन 6000 लेना था। तो मैं क्या कहूंगा, मेरे पास यहां पे जो 2000 आंसर आया उसमें से मैं -1 कर दूंगा। ये -1 क्यों किया बेटे, बिकॉज इस केस में क्योंकि मैं यहां पे 0 यूज कर रहा हूं, यहां भी 0 0 यूज कर सकता हूं। सो डेफिनेटली बेटे 6000 इंक्लूड हो गया, इट हैज टू बी ग्रेटर देन 6000। सो आई विल मेक श्योर कि मैं इसमें से -1 कर लूंगा, मैं 6000 वाला केस इग्नोर कर दूंगा। कंफर्टेबल? सो इन दिस केस में आंसर हैज टू बी 1999। श्योर? अब इसमें सेकेंड केस को समझो ध्यान से, रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। फर्क क्या पड़ेगा, दो चीजें, एक तो यहां पे 10 10 नहीं आ सकता, वो लॉजिक क्लियर है। एक और चीज समझनी पड़ेगी कि अगर मैंने लास्ट में 6 या 8 यूज कर लिया तो वो स्टार्टिंग में पॉसिबल नहीं है। लेट्स बी वेरी क्लियर ऑन दैट, क्योंकि मुझे डिजिट्स रिपीट नहीं करनी है। मैं कह रहा हूं लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 कुछ भी आ सकता है। अगर लास्ट में 0 यूज किया तो यहां यूज नहीं कर रहा हूं, यहां 6, 7, 8 या 9 ही यूज कर रहा हूं। 2 यूज किया तो वो भी यहां यूज नहीं करूंगा, यहां भी यूज नहीं करूंगा। बट फर्क क्या पड़ेगा, अगर मैंने लास्ट में 6 और 8 यूज कर लिया तो वो भी बिगनिंग में यूज नहीं हो सकता। सो मुझे दो केसेस में इसको बांटना पड़ेगा। पहले बेटे मैं केस 1 लूंगा जहां पर मैंने लास्ट में 0, 2 या 4 यूज किया है, और फिर सेकेंड केस लूंगा जब मैंने लास्ट में 6 या 8 यूज किए। इस बात को ध्यान से समझो, ये मेजॉरिटी लोग गलत कर देते हैं। अब ये दो पॉसिबिलिटीज में बन जाएगा, क्योंकि मुझे डिजिट्स को रिपीट नहीं करना है तो आई कैन नॉट हैव 6 here and 6 here। अदरवाइज ऊपर मैंने एक नंबर बनाया जिसमें 6, 8, 2, 6 भी होगा,
बट वो सेम नहीं होने चाहिए, इसलिए मैंने उसको दो पार्ट्स में सेग्रीगेट कर दिया। अब अगर लास्ट में 0 to 4 यूज कर रहा हूं तो स्टार्टिंग में 6, 7, 8, 9 में से कुछ भी यूज कर सकता हूं। सो आई वुड से इफ दिस इज फिल्ड इन 3 वेज, दिस विल हैव 4 ऑप्शंस। अब रेपिटेशन अलाउड नहीं है तो मैंने कोई एक यहां यूज कर लिया और कोई इनमें से एक यहां यूज कर लिया, दैट मीन्स दिस वुड बी लेफ्ट विद 8 ऑप्शंस एंड 7 ऑप्शंस। 10 में से 2 कट गई और फिर एक और हट गई, तो दैट वुड बी दी फर्स्ट केस, दैट वुड बी 4 × 8 × 7 × 3। श्योर? वहीं बेटे जब मैं इसमें आऊंगा, देखो जब मैंने लास्ट में 6 या 8 यूज कर लिया तो यहां पे जो ये 4 थे, अगर 6 यूज हो गया है तो मैं 7, 8 या 9 यूज करूंगा, और अगर 8 यूज हो गया है तो 6, 7 या 9 यूज करूंगा। दैट मीन्स दिस प्लेस वुड बी लेफ्ट विद ओनली 3 ऑप्शंस। तो आंसर में फर्क पड़ेगा, मैंने लास्ट में अगर 6 यूज किया है तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 3 वेज, वेरियस अगर लास्ट में 8 यूज किया है तो अगेन दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 3 वेज। परफेक्ट? अब कोई एक यहां यूज कर लिया, कोई एक यहां यूज कर लिया, सो फिर से बेटे मेरे पास जो बच गए वो 8 × 7 है। अब मैं दोनों के केसेस को ऐड कर लूंगा समझाने के लिए बेटे, क्योंकि नीचे ऊपर 56 कॉमन दिख रहा था मुझे। मैं इन दोनों को जब ऐड करूंगा तो मैं क्या कहूंगा, 56 कॉमन है इंटू 12 प्लस 56 × 6। उसको इजी करने के लिए बेटे आप ऐसे कह सकते हो 56 × 6 कॉमन निकाल लिया, ये 2 + 1 = 3 हो जाएगा। सो 56 × 6 × 3 कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत लंबी कैलकुलेशन नहीं है, 50 × 6 = 300 प्लस 36 हो जाएगा, 336 × 3 कर लोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। कंफर्टेबल? दिस वॉज लिटल टिपिकल, सो आई होप यहां तक क्लियर हुआ। गुड, फिर से वीडियो को पॉज करो, ट्राई क्वेश्चन नंबर 24 till 27। अच्छा बेटे, अब 24 से 27 में कंस्ट्रेंट डाला हुआ है, द डिजिट्स दैट यू कैन यूज इज 0 till 5 ओनली। आप वो क्वेश्चन कह रहे हैं कि आपके पास 6 डिजिट्स हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, उन्हीं को यूज करके आपको नंबर बनाने हैं। अब पहला बिल्कुल स्ट्रेट है, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी मेड विद डिस्टिंक्ट डिजिट्स। 4 डिजिट नंबर बनाने और डिजिट्स मुझे अलग अलग रखनी है, तो फर्स्ट प्लेस पे 0 नहीं आ सकता, फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 वेज। सेकेंड प्लेस पे जो यहां यूज हो गया वो नहीं हो सकता, बट 0 तो अब हो सकता है, तो टोटल 6 है उसमें से कोई एक यहां यूज कर लिया, दिस विल बी फिल्ड इन 5 वेज, देन वुड बी लेफ्ट विथ 4 एंड देन वुड बी लेफ्ट विथ 3, सो दैट इज टोटल ऑफ 300। वेरी स्ट्रेट, श्योर? देन 25th, हाउ मेनी 4 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी मेड विद डिस्टिंक्ट डिजिट्स। फिर से प्रॉब्लम, मुझे इवन नंबर्स बनाने हैं और डिस्टिंक्ट डिजिट्स चाहिए। फिर से एक चीज को समझो बच्चा, जब मैं कहता हूं कि मुझे डिस्टिंक्ट डिजिट्स चाहिए तो फर्क पड़ेगा कि मेरे पास लास्ट प्लेस में क्या है, फर्स्ट प्लेस में क्या है, वो डिफ्रेंशिएट हो जाता है। किस तरह से 4 डिजिट इवन नंबर्स विद डिस्टिंक्ट डिजिट्स बनाने हैं, दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 0, 2 और 4। लास्ट प्लेस पे मेरे पास क्या आना है, 0, 2 या 4। अगर बेटे मैंने यहां पे 0 यूज किया तो दिस प्लेस विल हैव 5 ऑप्शंस, बट अगर मैंने लास्ट में 2 या 4 यूज किया तो यहां पे वो 2, 4 भी नहीं आ सकता और 0 भी नहीं आ सकता, दैट मीन्स आई विल बी लेफ्ट विद 4 ऑप्शंस। फर्क को समझो ध्यान से, वो फर्क पड़ जाएगा बिकॉज मुझे जो डिजिट्स रखनी है वो डिस्टिंक्ट रखनी है। तो अब लास्ट में क्या यूज हो रहा है, 0 यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो फर्स्ट प्लेस को इफेक्ट करेगा। तो इसके लिए फिर से मैं क्या करूंगा, दो पार्ट्स में बांटूंगा। केस 1 बनाऊंगा जहां पर 0 इज यूज्ड एट लास्ट प्लेस, ठीक है,
What does that means? अगर मैं लास्ट प्लेस पे जीरो को फिक्स कर दूं, अब लास्ट प्लेस पे अगर जीरो आ रहा है तो फर्स्ट प्लेस विल हैव फाइव ऑप्शंस. वहीं अगर जीरो इज नॉट यूज्ड एट लास्ट प्लेस दैट मीन्स लास्ट प्लेस विल हैव टू ऑप्शंस. अगर लास्ट पे बेटे मैंने टू यूज किया तो अब फर्स्ट प्लेस पे ना जीरो यूज हो सकता है ना टू यूज हो सकता है. दैट मीन्स विल हैव फोर ऑप्शंस. द सेम वुड गो फॉर फोर. सो द फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन फोर वेज. दोनों का आंसर अलग अलग बनेगा. तो जहां पर डिस्टिंक्ट डिजिट्स का क्वेश्चन आता है, समझो कि लास्ट में क्या यूज हुआ है, वो फर्दर फर्स्ट में यूज हो सकता है कि नहीं हो सकता. वुड पुट अ कंस्ट्रेंट. ये पॉइंट ध्यान से देखना, ये गलत हो जाता है. सो बी वेरी केयरफुल विद दिस पॉइंट. अगला स्टेप सिंपल होगा. अब मैंने कोई एक जीरो यहां यूज कर लिया, कोई एक यहां यूज कर लिया, टोटल सिक्स से दो लेटर्स यूज हो गए हुए. विल बी लेफ्ट विथ फोर एंड थ्री. सेम गोज हियर. यहां पे कोई टू और फोर में से एक यूज कर चुका हूं, यहां भी यूज कर चुका हूं एक. अब आगे जीरो भी यूज हो सकता है, कोई भी और यूज हो सकता है. तो फोर इंटू थ्री ऐड कर लोगे. अगेन कैलकुलेशंस बहुत टफ नहीं है. ये मेरे पास 60 है, 5 इंटू फोर इंटू थ्री. ये 16 इंटू सिक्स 96 है. 60 प्लस 96 हैज टू बी 156. कंफर्टेबल, मैनेजेबल, गुड. ट्राई 26 एंड 27 योरसेल्फ. ओके, सबसे पहली बात बेटे, वो बात कर रहे हैं नंबर्स दैट आर नॉट डिविजिबल बाय फाइव. अगेन व्हेन इट सेज अ नंबर इज नॉट टू बी डिविजिबल बाय फाइव, व्हाट इज द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ फाइव? द लास्ट प्लेस हैज टू बी जीरो और फाइव. सो इफ इट इज नॉट डिविजिबल बाय फाइव दैट मीन्स लास्ट प्लेस पे जीरो फाइव नहीं होने चाहिए. वन टू थ्री फोर में से कुछ भी हो सकता है. आई वॉन्टेड नंबर्स दैट आर नॉट डिविजिबल बाय फाइव. अगर बेटे रेपिटेशन अलाउड है, लास्ट प्लेस पे कोई भी फोर रख सकता हूं, फर्स्ट प्लेस पे जीरो नहीं आ सकता, कोई भी फाइव में से एक आ सकता है. रेपिटेशन अलाउड है तो रिमेनिंग हैज टू बी सिक्स इंटू सिक्स इंटू सिक्स. कंफर्टेबल? रेपिटेशन अलाउड हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. सिक्स लेटर्स डिजिट से कोई भी यहां पे आए, रिपीट हो चाहे ना हो फर्क नहीं पड़ता है. यहाँ पे जीरो नहीं आ सकता, यहाँ पे बेटे जीरो फाइव दोनों नहीं आ सकते, बिकॉज द नंबर शुड नॉट बी डिविजिबल बाय फाइव. कंफर्टेबल? कुछ लोगों ने ऐसे किया होगा, टोटल में से माइनस किए होंगे, वो केसेस जहाँ फाइव से डिविजिबल है, परफेक्ट है. फाइव से डिविजिबल रखना होता तो ये टू प्लेसेस हो जाती, बाकी सेम होता, परफेक्ट. अब इसमें सेकेंड केस, वो कह रहे हैं रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड. अब क्योंकि मुझे डिजिट्स को डिस्टिंक्ट रखना है, तो बेटे समझो मैं लास्ट प्लेस पे क्या रख रहा हूं, वन टू थ्री या फोर. अब यहां पे वैसे भी जीरो तो यूज किया नहीं, मतलब मैं इनमें से कोई भी जो एक यूज कर लूंगा वो फर्स्ट प्लेस पे नहीं आ सकता, ना ही फर्स्ट प्लेस पे जीरो आ सकता है. तो अब फर्स्ट प्लेस वुड बी लेफ्ट विद फोर ऑप्शंस. फोर क्यों का, टोटल सिक्स डिजिट से कोई एक यहां पे यूज कर लिया है, यहां पे जीरो भी इंक्लूड नहीं हो सकता. तो दिस प्लेस इज लेफ्ट विद ओनली फोर ऑप्शंस. श्योर? अब एक यहां यूज कर लिया और कोई एक यहां यूज कर लिया, आउट ऑफ सिक्स आई एम लेफ्ट विद फोर इंक्लूडिंग जीरो. सो अगेन आई विल हैव फोर ऑप्शंस, थ्री ऑप्शंस एंड टू ऑप्शंस. फाइन, दो ऑलरेडी यहां यूज कर चुके हो, वो वन से लेके फाइव तो कोई भी यूज किए हो फर्क नहीं पड़ता है. अब जो बच्चे होंगे बेटे, उसमें जीरो भी बचा होगा और कोई दो आगे से बचे हो, तीन आगे से बचे होंगे, तो मेरे पास ये फोर हो जाएंगी, फिर ये थ्री, फिर ये टू. अगेन द कैलकुलेशन आर नॉट वेरी मुश्किल, वेरी डिफिकल्ट. फोर इंटू फोर इंटू फोर हैज टू बी 64, इंटू सिक्स करूंगा आंसर आ जाएगा. कंफर्टेबल? इजी, 384 बन जाएगा, ऐड कर लोगे, उसमें प्रॉब्लम नहीं है. फाइन, ग्रेट.
27th क्वेश्चन नाउ. देखो बेटे, व्हेन इट कम्स टू 27th क्वेश्चन, दे आर आस्किंग अबाउट फोर डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय फोर. सबसे पहले ये समझना जरूरी है फोर का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है. बेटे, फोर के नंबर एक तभी डिविजिबल होगा फोर से जब उसके लास्ट टू डिजिट्स जो है वो फोर से डिवाइड होंगे. मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, फोर का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, लास्ट टू प्लेसेस शुड बी डिविजिबल बाय फोर. लास्ट में फोर होने से वो डिविजिबल नहीं होगा. हाँ, लास्ट में जीरो फोर होगा या 24 होगा या 44 होगा तो डिविजिबल होगा. ठीक है ना, तो मेरे को अगर बनाना है नंबर फोर से डिविजिबल है इनको देख के, तो पहले लास्ट टू प्लेसेस क्या हो सकते हैं. पहला, ये बहुत लोग भूल जाते हैं, इवन लास्ट टू प्लेसेस आर 0 0, द नंबर इज डिविजिबल बाय 4. तो लास्ट टू पे अगर 0 0 है वो भी वैलिड है. अब मैं 4 का टेबल लिख रहा हूं, मैं कह रहा हूं 0 4 हो सकता है, 8 नहीं बन सकता, 12 बन सकता है, 16 पॉसिबल नहीं है, 20 24, 32 36 नहीं बन सकता, 40 44, 52. मैंने कुछ नहीं किया, 4 का टेबल लिखा है कंसिडरिंग ओनली लास्ट टू प्लेसेस, और जहां पर भी 0 से 5 के अलावा कुछ और यूज हो रहा है उसे इग्नोर कर दिया. तो मैंने 8 इग्नोर कर दिया, 16 इग्नोर कर दिया बिकॉज 6 नहीं था, 20 24 के बाद 28 इग्नोर कर दिया, 8 नहीं था, 32 के बाद 36 इग्नोर कर दिया. कंफर्टेबल? सो अगर मुझे एक फोर डिजिट नंबर बनाना था जिसमें फर्स्ट पार्ट में वो कह रहा था रेपिटेशन अलाउड है, तो मैं कहूंगा लास्ट टू प्लेसेस कैन बी फिल्ड इन 9 वेज. मेरे पास 9 डिफरेंट ऑप्शंस हैं टू फिल द लास्ट टू प्लेसेस. श्योर? अब रेपिटेशन तो अलाउड है, कोई फर्क नहीं है. व्हाट डज दिस मींस? फर्स्ट प्लेस पे 0 के अलावा कोई भी आ सकता है, सेकेंड प्लेस पे 0 खुद भी आ सकता है. रेपिटेशन अलाउड थी तो लास्ट टू प्लेसेस विल हैव 9 ऑप्शंस, फर्स्ट प्लेस विल हैव 5 ऑप्शंस एंड सेकेंड प्लेस विल हैव 6 ऑप्शंस. सो माय आंसर हैज टू बी 5 × 6 × 9, 30 × 9 हैज टू बी 270. कंफर्टेबल? फाइन. अब सेकेंड केस समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट था. सेकेंड केस में बेटे वो कह रहे हैं कि रेपिटेशन इज नॉट अलाउड. पहली तो चीज, क्योंकि रेपिटेशन अलाउड नहीं है तो वो वाले केसेस तो वैसे ही रिजेक्ट हो जाएंगे जहां पर डिजिट्स रिपीट कर रहे हैं. बाकी सारे वो केसेस हैं जहां पर डिस्टिंक्ट डिजिट्स हैं. श्योर? फिर से इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि अगर मैंने लास्ट में 0 यूज किया है तो फर्स्ट प्लेस पे 5 ऑप्शंस होंगी, बट अगर मैंने लास्ट में 0 यूज नहीं किया है, कुछ और यूज किया है, तो फर्स्ट प्लेस पे 0 भी नहीं आ सकता, ऑप्शन रिड्यूस हो जाएंगी. तो इसमें फिर से दो पार्ट्स में बांटूंगा, एक केस जब लास्ट में 0 यूज हो रहा है और फिर एक सेकेंड केस ड्रॉ करूंगा जहां पर 0 यूज नहीं हो रहा है. उन नंबर्स में से 0 इंक्लूडेड है के नहीं है. देखो, अगर मैं 0 यूज कर रहा हूं तो मेरे पास 1 2 3 केसेस हैं. 0 यूज करने वाले 3 वेज हैं, 3 ऑप्शंस हैं. लास्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 3 वेज. फाइन. अब सपोज आपने 0 और 4 यूज कर लिया, मतलब फर्स्ट प्लेस पे ना 0 आ सकता है ना 4 आ सकता है, तो फर्स्ट प्लेस पे मेरे पास कितनी ऑप्शंस होंगी? 4 ऑप्शंस. 2 0 भी यूज किया होता तो भी बेटे मेरे पास 1 3 4 5 4 ऑप्शंस होती. तो अगर लास्ट में एक 0 यूज किया और कोई एक और यूज किया है तो 2 यूज हो गए हैं, बचे मेरे पास 4 ऑप्शंस. अब कोई 2 यहां यूज कर लिए, कोई एक यहां यूज कर लिए, तो नेक्स्ट वुड बी लेफ्ट विद 3 ऑप्शंस. परफेक्ट है? वहीं अगर आपने लास्ट में 0 यूज नहीं किया तो पहले तो कितने केसेस हैं? 1 2 3 and 4. ये 4 ऐसे केसेस थे जहां पर लास्ट 2 डिजिट्स में कोई 0 नहीं है, कोई और 2 डिजिट्स हैं. अब अगर मैंने लास्ट में सपोज 1 और 2 यूज कर लिया,
तो फर्स्ट प्लेस पे ना वन आ सकता है, ना टू आ सकता है, ना ही जीरो आ सकता है. दैट मीन्स वी आर लेफ्ट विद ओनली थ्री ऑप्शंस. तो अगर मैं लास्ट में जीरो यूज नहीं कर रहा हूं, कोई और दो यूज कर रहा हूं, तो फर्स्ट प्लेस पे ना जीरो आ सकता है, ना वह दो आ सकते हैं. सो फर्स्ट प्लेस वुड बी लेफ्ट विद ओनली थ्री ऑप्शंस. सेकंड प्लेस जब सॉल्व कर रहे होगे तो आप कहोगे अब यहां पे जीरो भी आ सकता है और जो बचे हो उनमें से भी कोई आ सकता है. तो आपने इन अ वे थ्री यूज कर लिए हुए हैं, आपके पास थ्री बचे हुए हैं. कंफर्टेबल? इनका स्क्रीनशॉट ले लो, इन्हें नोट कर लो एंड ट्राई टू गेट अ गुड ग्रास्प गलती का स्कोप कहां पर है. जहां पर रेपिटेशन अलाउड नहीं होती है वहां पे केसेस बनाने पड़ते हैं. इस पर ही आंसर करते समय 4 × 3 × 3 = 36. दिस इज ऑल्सो 36. आई एम ऑब्वियसली नॉट श्योर कि हमेशा सेम आएगा, अलग अलग आएगा. पिछले केसेस में अलग अलग आ रहा था, ठीक है. इस पर ही सेम आ गया, 36 + 36 = 72. आई होप समझ आया. स्क्रीनशॉट्स लेके नोट कर लो बच्चा एंड देन वी आर मूविंग ऑन. ओके, नेक्स्ट इन द क्लास आई हैव टू टॉक अबाउट सिटिंग अरेंजमेंट्स. सबसे पहले बेटे ऐसे क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं जहां पर लोग एक रो में बैठे हैं. द क्वेश्चंस आर टॉकिंग अबाउट थ्री कपल्स सिटिंग इन अ रो. थ्री कपल्स हैं, दैट मीन्स आई हैव थ्री मेन एंड थ्री वीमेन, थ्री मेल्स और थ्री फीमेल्स हैं. अब ऑब्वियसली बेटे इसमें रेपिटेशन वगैरह वाली तो बात ही नहीं होती. एक मेल एक ही चेयर पर बैठ सकते हैं. सो हम कहेंगे मेरे पास सिक्स चेयर्स होंगी जहां पे मुझे सिक्स लोगों को बिठाने हैं. तो अगर कुछ ना कहा हो तो आई वुड से फर्स्ट प्लेस विल हैव सिक्स ऑप्शंस. इस तरह से सिक्स प्लेसेस हैं. सेकंड प्लेस विल हैव फाइव ऑप्शंस, देन फोर ऑप्शंस एंड सो ऑन. सो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हैज टू बी 6 × 7 = 20, ठीक है. तो जैसे पहले क्वेश्चन ने पूछा इन हाउ मेनी वेज दे कैन सिट इन अ रो, माय सिंपल आंसर हैज टू बी 6 × 7 = 20. परफेक्ट. आगे देख रहे हैं आप. 29th क्वेश्चन में कंस्ट्रेंट डाल दिया. खुद ट्राई करके फिर सॉल्यूशंस को देखो बच्चे, मैं बार बार बोलता हूं, ठीक है. आपने जो थोड़ा बहुत किया उससे पहले खुद ट्राई किया करो. 29th क्वेश्चन कह रहे हैं, हाउ मेनी वेज दे कैन बी सिटेड सच दैट द रो शुड स्टार्ट एंड एंड्स विद द सेम जेंडर. दो तरीके करने के बेटे, दो केसेस बना सकते हो. या तो यहां भी मेल है और यहां भी मेल है, या फिर यहां भी फीमेल और यहां भी फीमेल है. अगर यहां मेल है तो ये थ्री वेज है, यहां भी मेल है तो यहां पे टू वेज है. बीच में फोर कैसे बैठ रहे हैं उनके ऊपर कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, तो वो 4 × 4 होगा. ये कौन से केसेस आ गए? स्टार्टिंग विद द मेल एंड एंडिंग विद द मेल. द सेम वुड गो फॉर फीमेल्स ऑल्सो. सो हम क्या कहेंगे, जो मेल वाले केसेस हैं वो 3 × 2 × 4 है. दिस इज फॉर स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद मेल. द सेम वुड गो फॉर फीमेल, सो आई मल्टीप्लाई बाय 2. ये मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों किए? बिकॉज यही केस रिपीट हो जाएगा फॉर फीमेल्स ऑल्सो. सो दिस सेम केस वुड बी रिपीटेड ट्वाइस, दैट मीन्स इनटू 2 हो जाएगा. कंफर्टेबल? श्योर. 30th क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज कैन ऑल बॉयज सिट टुगेदर. जैसे हमने लेटर अरेंजमेंट में किया था, सारे बॉयज का एक ग्रुप बनाना है, तो ये एक हो गए. इसके अलावा मेरे पास तीन गर्ल्स हैं, तो टोटल जो अरेंजमेंट्स हैं वो 4 × 4 हैं. गर्ल्स इकट्ठी हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती. सो इंस्टेड ऑफ कंसिडरिंग एज 6 years, आई विल कंसिडर 4 years. द फर्स्ट ईयर कुड हैव आइदर 3 boys और 1 of them, और इट कुड बी स्टार्टिंग विद अ गर्ल देन बॉयज देन स्टार्टिंग विद 2 girls एंड अ बॉय. कंफर्टेबल? अब हर अरेंजमेंट में इन 3 boys को अपना रीअरेंज कर सकता हूँ. पहले कौन आ रहा है, बाद में कौन आ रहा है, सो माई आंसर हैज टू बी इन 2 × 3 = 4. सेम एज वॉट वी डिड इन वर्ड्स और लेटर अरेंजमेंट. श्योर. 31st कह रहे हैं, हाउ मेनी वेज कैन बी अरेंज सो दैट एवरीबडी सिट एडजस्टेंट टू हिज और हर स्पाउस. नाउ देयर वर 3 couples एंड एवरीबडी हैज टू सिट एडजस्टेंट टू हिज और हर स्पाउस. बेटे एक तरह से ध्यान से देखो तो मेरे पास 3 groups बन जाएंगे, हस्बैंड 1, वाइफ 1,
हस्बैंड टू, वाइफ टू एंड हस्बैंड थ्री, वाइफ थ्री, इन्होंने इकट्ठे बैठने हैं, तो ये मेरे पास एक तरह से थ्री ग्रुप्स हैं, दैट मीन्स उनके कितने अरेंजमेंट्स हैं, थ्री फैक्टोरियल। अब हर अरेंजमेंट में हस्बैंड और वाइफ आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, तो इनके कितने अरेंजमेंट्स होंगे, टू फैक्टोरियल, इनके भी टू फैक्टोरियल, इनके भी टू फैक्टोरियल। कंफर्टेबल? सो आई वुड से दिस इज 6 × 8, 48। इजी जॉब। 30 सेकेंड, इट सेज हाउ मेनी वेज आर देयर टू अरेंज सच दैट देयर इज अ होस्ट कपल एंड दिस होस्ट कपल शुड नॉट सिट ऑन एडजेसेंट सीट्स। अगेन शुड नॉट के लिए टोटल में से माइनस करूंगा जहां पर होस्ट इज सिटिंग टुगेदर। तुम कहेंगे टोटल केसेस में से वो केसेस माइनस करेंगे वेयर होस्ट कपल इज टुगेदर। टोटल केसेस कितने हैं, 6 फैक्टोरियल, दैट इज 720 माइनस, क्योंकि मुझे होस्ट कपल को इकट्ठे रखना है, तो उसका बेटे जो ग्रुप है वो एक ग्रुप हो गया, उसके अलावा आई हैव गॉट 4 मोर, सो टोटल अरेंजमेंट्स कितने होंगे उनके, 5 फैक्टोरियल, इसे 6 फैक्टोरियल ले लिख लेते हैं। कपल इकट्ठे है, हस्बैंड वाइफ इंटरचेंज कर सकते हैं, तो हैज टू बी 2 फैक्टोरियल। अब देखो इसकी कैलकुलेशन इजीली ऐसे भी कर सकते हैं, अगर मैं इसमें से 5 फैक्टोरियल कॉमन निकाल लूं, तो ये 6 − 2 हो जाएगा, 120 × 4 हैज टू बी 480। लुक एट द सॉल्यूशंस। कंफर्टेबल? अच्छा बच्चे, आगे देख रहे हैं, अगले 3 क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, एक बार ही वीडियो पॉज करके ट्राई टू री रीड दीज क्वेश्चंस एंड अंडरस्टैंड द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द क्वेश्चन आस्क्ड। 33, 34 और 35 का फर्क क्या है बेटे, पहले वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो, फिर सॉल्यूशंस को देखना। देखो ध्यान से, 33rd क्वेश्चन कह रहे हैं, हाउ मेनी वेज गर्ल्स एंड बॉयज शुड सिट ऑल्टरनेटिवली। What does this means? I wanted boys and girls should sit alternatively. So either it has to be a boy, girl, or it could be girl, boy. But कोई भी इकट्ठे नहीं होने चाहिए. What does this means? अगर मैं इसमें देखूं तो boys can be filled in 3, 2, 1 ways, and these positions again can be filled in 3, 2, 1 ways. हमने boys की position fix कर दी, गर्ल्स की भी फिक्स कर दी, तो बॉयज के भी 3 फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स हैं, गर्ल के भी 3 फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स हैं। सेम वुड गो हेयर, सो बेटर आइडिया वुड बी, मैं इसको कैसे लिख सकता था, 3 फैक्टोरियल × 3 फैक्टोरियल × 2 ऑप्शंस, विच इज प्रिटी स्ट्रेट। दिस इज 6 × 6 × 2, दैट इज 72। परफेक्ट है? द क्वेश्चन वॉज क्लियरली सेइंग वो ऑल्टरनेट होने चाहिए, तो एक बॉय एक गर्ल होगी या एक गर्ल एक बॉय होगा। कंफर्टेबल? वहीं जब आप 34th क्वेश्चन पे आते हो, लैंग्वेज का फर्क क्या है, इट सेज सच दैट ऑल बॉयज डू नॉट सिट टुगेदर। 3 बॉयज हैं, तीनों इकट्ठे नहीं हो सकते, 2 इकट्ठे हों चलेगा, को सारे अलग अलग हों तो भी चलेगा, गर्ल्स इकट्ठी हैं या अलग हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जहां ऑल शुड नॉट बी टुगेदर, आई विल से टोटल माइनस ऑल आर टुगेदर। सो हम कहेंगे टोटल केसेस कितने थे, 7 फैक्टोरियल, ऑल बॉयज आर टुगेदर वुड बी 4 फैक्टोरियल × 3 फैक्टोरियल। देखो कैलकुलेशन कैसे कर सकता हूं, 4 फैक्टोरियल कॉमन निकाल लिया, इसमें से 4 फैक्टोरियल गया तो बचा क्या, 5, 6 और 7 −3 × 6, दिस इज 24 × 6, फिर से कॉमन आ गया, अंदर क्या रह जाएगा, 35 − 1, दैट इज 34। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन कर सकते हो, कंफर्टेबल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अब फर्क समझना ध्यान से,
अगर ये समझ आ गया तो 35th क्वेश्चन थोड़ा सा क्रिटिकल है, उसको ध्यान से देखना पड़ेगा। 35th क्वेश्चन को जब आप देख रहे हो बेटे, तो 35th क्वेश्चन कह रहे हैं, हाउ मेनी वेज कैन वी अरेंज देम सो दैट नो टू बॉयज सिट टुगेदर। फर्क समझो बेटे, 36th क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, सॉरी 35th क्वेश्चन, कोई भी दो बॉयज इकट्ठे नहीं होने चाहिए। अब ये 33rd से क्यों अलग था, उसमें बॉयज और गर्ल्स ऑल्टरनेटिव थी, दैट मीन्स दो गर्ल्स भी इकट्ठी नहीं होनी चाहिए थी। 35th क्वेश्चन में आई कुड हैव एन अरेंजमेंट लाइक दिस, दोनों बॉयज इकट्ठे नहीं है, और हम बेटा ऐसा भी कुछ बना सकते हैं, दैट मीन्स गर्ल्स तो इकट्ठी आ सकती हैं बट बॉयज इकट्ठे नहीं होने चाहिए। फाइन, तो ध्यान से डिफरेंस समझो, 34th क्वेश्चन क्या कह रहा था, सारे अलग अलग होने चाहिए, सारे बॉयज इकट्ठे नहीं होने चाहिए, दो इकट्ठे हो सकते हैं। यहां पे कोई भी बॉय इकट्ठा नहीं होना चाहिए लेकिन गर्ल्स इकट्ठी हो सकती हैं। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए वेयर आई सेज नो टू थिंग्स आर टुगेदर, इसको करने की साइकोलॉजी हमेशा एक रहेगी। अगर आपने कहा है कि नो टू बॉयज आर टुगेदर, कहीं भी बॉयज इकट्ठे नहीं होने चाहिए, इसको कैसे करेंगे? अगर मुझे बॉयज को इकट्ठे नहीं रखना है तो मैं पहले गर्ल्स की अरेंजमेंट सोचूंगा, क्योंकि मेरे पास 3 गर्ल्स थी, आई वुड से दे कैन बी अरेंज्ड इन 3 फैक्टोरियल वेज। तो अगर आपने बॉयज को इकट्ठे नहीं रखना है तो पहले किसको अरेंज करोगे? गर्ल्स को। अब आपने गर्ल्स को अरेंज कर लिया, अब आप कहोगे आपके पास ये 4 प्लेसेस हैं, इन 4 प्लेसेस में से किसी भी 3 प्लेसेस पे बॉयज को बिठा दो, बॉयज इकट्ठे नहीं आएंगे। तो अगर सपोज मैंने बॉयज को यहां बिठा दिया तो बॉयज सारे ऑल्टरनेट हैं, गर्ल्स भी ऑल्टरनेट हैं, कोई इकट्ठे नहीं है। यहां बिठा दिया, इसका क्या मतलब होगा, ये बॉयज तो अलग अलग हैं, ये दो गर्ल्स के बीच में कोई नहीं होगा, इकट्ठी हो जाएंगी। तो आप ये भी इंक्लूड कर लिया, ये भी इंक्लूड कर लिया, यहां पे गर्ल बॉय आ गया तो ये दो गर्ल्स इकट्ठी हो जाएंगी बट बॉयज अभी भी अलग अलग हैं। तो हम इसे कैसे कहेंगे? हम कहेंगे बॉयज के लिए मेरे पास 4 अवेलेबल प्लेसेस थी, उसमें से किसी 3 प्लेसेस को चूज करके मुझे बॉयज को अरेंज करने, मैं इसे 4P3 भी लिख सकता हूं जैसे आपको अच्छा लगे, बट मेरे पास 4 प्लेसेस में से किसी 3 प्लेसेस को चूज करके उन पे बॉयज को बिठाना है। तो मैंने पहले 4 में से 3 चूज करनी है, फिर उनमें बॉयज को अरेंज करना है, तो मैं 4C3 × 3 फैक्टोरियल लिखूंगा या 4P3 लिखूंगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, 3 फैक्टोरियल इज 6, 4C3 लिखोगे तो बेटे वो 4 ही है इंटू 6, कंफर्टेबल, दैट इज 36 × 4 which is 144. Look at the problem clearly, बेटे. I hope समझ आया. Good job. अच्छा, एक दो छोटी छोटी और चीजें. अगर बच्चे मुझे इन्हीं चीजों को सर्कल में लेना हो, एक सर्कुलर टेबल की बात हो रही है, अब बच्चा सर्कल में एक छोटा सा फर्क क्या होता है, जब हम किसी भी केस में सर्कल की बात करते हैं तो हम मान के चलते हैं कि सर्कल एक सिमेट्रिकल फिगर है। प्रैक्टिकली देखो बेटे, अगर मैं कहूं ए यहां पे है और बी यहां पे है, वुड नॉट बी डिफरेंट फ्रॉम ए यहां पे और बी यहां पे, सर्कल का कोई स्टार्ट और एंड नहीं है। तुम किसी भी तरह के सर्कल्स के क्वेश्चन जब कर रहे होते हैं तो हम मान के चलते हैं कि किसी एक को फिक्स करके बाकियों को उसके अकॉर्डिंगली अरेंज करते हैं। सो जब हमें कहा जाता है रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन में भी, ए सेट्स ऑपोजिट टू बी एंड इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, तो मैं कहूंगा ए बी के ऑपोजिट है और सी के लेफ्ट पे है। अब यहां से ए लिया या यहां से लिया, यहां से लिया, वुड नॉट मेक अ डिफरेंस। सो सर्कल के क्वेश्चन को हमेशा कैसे करना है, किसी एक को फिक्स मान के बाकियों के अरेंजमेंट से। तो अगर कुछ और ना दिया हो और सिर्फ यही पूछा हो तो सर्कुलर अरेंजमेंट्स के कितने केसेस हो जाते हैं, एन माइनस वन फैक्टोरियल। किसी एक को फिक्स करके हम बाकियों के अरेंजमेंट्स की बात करते हैं। श्योर,
तो क्वेश्चन नंबर 36 में जब वो पूछ रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन वी रेज सिक्स स्टूडेंट्स अराउंड अ सर्कुलर टेबल, छह लोग हैं, किसी एक को फिक्स कर लो, किसी को भी करो फर्क नहीं है, बाकियों के अरेंजमेंट्स कितने होंगे, वुड बी 5 फैक्टोरियल। तो 36 का जो आंसर है बेटे वो मेरे पास 5 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 120 हो जाएगा, किसी एक को फिक्स करके बाकियों के अरेंजमेंट्स, फाइन। अब 37th में लेकिन उसने कंस्ट्रेंट दे दिया, तीन कपल्स हैं, ऑल मेल्स एंड फीमेल्स शुड सिट इन ऑल्टरनेट मैनर, इन हाउ मेनी वेज कैन दे डू दिस। अब बच्चे मुझे मेल्स और फीमेल्स को ऑल्टरनेटिवली बिठाना है, मैं फिर बोल रहा हूँ किसी भी एक को फिक्स कर लो। सपोज मैंने यहाँ पे बॉय वन को फिक्स कर लिया, अब इसको अरेंज नहीं करना है, इसके अलावा बाकियों के अरेंजमेंट्स देखने, क्योंकि मुझे बॉयज और गर्ल्स को अलग अलग बिठाना था, ऑल्टरनेट बिठाना था। तो बेटे बॉयज के पास अब दो चेयर्स हैं, सो यहाँ पे 2 या 3 में से कोई आ सकता है और एक यहाँ पे आएगा, तो बॉयज के जब मैं अरेंजमेंट्स बनाऊंगा तो सिर्फ 2 फैक्टोरियल लूंगा, इसको फिक्स कर लिया। अब दिस चेयर वुड हैव 2 ऑप्शंस क्योंकि ऑल्टरनेट बैठना था, तो बेटे गर्ल्स ने यहाँ बैठना है, सो दिस प्लेस विल हैव 2 ऑप्शंस, आइदर बॉय 2 और बॉय 3, एंड दिस वुड बी लेफ्ट विद 1 ऑप्शन। गर्ल्स के लिए मेरे पास 3 ऑप्शंस हेयर, 2 ऑप्शंस हेयर, 1 ऑप्शन हेयर। तो मैंने किसी एक को फिक्स करके बाकियों के अरेंजमेंट्स की बात की। आई होप सबको समझ आया, श्योर। वहीं बेटे जब क्वेश्चन नंबर 38 की बात करता हूं तो मेरे पास क्या है, सो सॉरी 38th क्वेश्चन, स्क्वायर टेबल की बात कर रहे हैं। बेटे ध्यान से देखो, जब मैं स्क्वायर टेबल की बात करता हूं तो एक छोटी सी बात को याद रखना, स्क्वायर टेबल भी सिमेट्रिकल फिगर है, लेकिन ये दोनों पोजीशन सेम रेक नहीं करती हैं। ए अगर यहां पे है और बी यहां पे, वुड बी डिफरेंटली लुक्ड एज ए यहां पे और बी यहां पे, बट आइडियली ये चारों पोजीशन सेम रिएक्ट करती है, दिस इज ओनली रोटेटिंग द फिगर। तो हम कहेंगे ये चारों जो अरेंजमेंट्स हैं वो सेम है, यहां से चारों को देखूं तो वो भी सेम है। तो थोड़ा सा याद रख लो कि अगर स्क्वायर टेबल का क्वेश्चन आ जाता है तो आप सीधा क्या आंसर करते हो, टोटल नंबर ऑफ केसेस डिवाइडेड बाय 4। इसका कारण क्या है बेटे, चार जो साइड्स हैं वो सेम रिएक्ट करती हैं, उन साइड्स की पोजीशंस जो हैं वो अलग अलग कंसिडर होती हैं। तो स्क्वायर टेबल के लिए हमेशा हम टोटल नंबर ऑफ केसेस को 4 से डिवाइड कर देते हैं। वहीं अगर रेक्टेंगल का क्वेश्चन आ जाए, रेक्टेंगल टेबल है तो उसमें हम बोलते हैं लॉन्गेस्ट साइड्स दोनों एक जैसी रिएक्ट करती हैं, शॉर्टेस्ट साइड दोनों एक जैसी रिएक्ट करती हैं। इसीलिए याद रखेंगे रेक्टेंगुलर टेबल के लिए हमेशा टोटल नंबर ऑफ केसेस डिवाइडेड बाय 2 लेके चलना है। सो ये दो चीजें आप याद रखोगे, स्क्वायर टेबल के लिए हमेशा टोटल नंबर ऑफ केसेस डिवाइडेड बाय 4 ले लेते हैं, और रेक्टेंगुलर टेबल के लिए टोटल नंबर ऑफ केसेस डिवाइडेड बाय 2 ले लेते हैं। कंफर्टेबल? 39th क्वेश्चन फिर से सर्कुलर टेबल की बात कर रहा है, तीन कपल्स हैं, सर्कुलर टेबल पे बैठे हैं, ऑल हस्बैंड शुड सिट एडजेसेंट टू देयर वाइफ्स। अब बेटे हस्बैंड्स ने अपनी वाइफ्स के साथ बैठना है, क्योंकि फिर से सर्कल है, मैं किसी एक को फिक्स करूंगा, तो मैं कहूंगा अगर हस्बैंड 1 को यहां फिक्स कर लिया, अगर हस्बैंड 1 को यहां फिक्स कर लिया तो बेटे मेरे पास वाइफ के लिए 2 ऑप्शंस हैं, वो लेफ्ट पे भी आ सकती है और राइट पे भी आ सकती है। तो पहले वाइफ के पास कितनी ऑप्शंस हैं, 2 फैक्टोरियल। कंफर्टेबल? अब ये सपोज मैंने ग्रुप फिक्स कर लिया, अब ये जो 4 है इसमें से इसका मतलब ये फर्दर 2 ग्रुप्स हैं, 3 कपल्स है ना, तो हम उनको क्या कर रहे हैं, हम जैसे नॉर्मल पहले कर रहे थे, हम कह रहे हैं मेरे पास 3 ग्रुप्स हैं, हस्बैंड 1 वाइफ 1, हस्बैंड 2 वाइफ 2 और हस्बैंड 3 वाइफ 3, इनको इकट्ठे बिठाने हैं। अब मैंने एक तरह से इस ग्रुप को तो फिक्स कर लिया, अब इन ग्रुप्स के कितने अरेंजमेंट्स हैं, 2 फैक्टोरियल, एक ग्रुप यहां आएगा और एक यहां आएगा, तो ये 2 3 देन द अदर वन लेफ्ट हियर।
हर ग्रुप में आपस में रीअरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं, तो मैं क्या करूंगा, ये कपल वन के लिए था, दो ग्रुप्स के कितने अरेंजमेंट्स होते हैं, 2 factorial, हर ग्रुप में हस्बैंड वाइफ आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, तो ये फॉर हस्बैंड टू और ये फॉर हस्बैंड, कपल टू और कपल वन, सो दिस इज फॉर कपल वन, दिस इज फॉर कपल टू एंड दिस इज फॉर कपल थ्री, एंड ये 2 factorial क्या था, ग्रुप्स के लिए, कौन सा ग्रुप यहाँ आएगा और कौन सा ग्रुप यहाँ आएगा। आदत पड़ जाएगी, ड्रॉइंग बिल्कुल नहीं करनी पड़ती, ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉजिक, जिनको इकट्ठे रखना है नहीं रखना वो बात की बात है, बट पहले एक को फिक्स करके बाकियों के अरेंजमेंट सोचने। कंफर्टेबल? लास्ट पॉइंट फॉर दिस डे, अगर मेरे पास क्वेश्चन में आ जाए दैट यू हैव टू फॉर्म अ ब्रेसलेट और अ नेकलेस, अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए यूजिंग अ बीट, तो इसमें एक चीज तो क्लियर है कि हम लोगों को एक सर्कल बनाना है, ठीक है। जब हम किसी चीज को ब्रेसलेट या नेकलेस में डालते हैं तो 90% सर्कुलर में होता है, तो अगर कुछ स्पेसिफाइड नहीं है तो सर्कल है, सर्कल के लिए हमने क्या कहा था, एन माइनस वन फैक्टोरियल। एक छोटा सा और चीज याद रखना, अगर वो वर्ड बीड्स या स्टोन यूज कर रहा है, नॉर्मली उसके ऊपर कुछ लिखा नहीं होगा और उसका आगे पीछे कुछ नहीं होता, दे लुक सेम अराउंड एवरीथिंग, इफ यू आर वेयरिंग अ ब्रेसलेट और अ नेकलेस, अगर आप उनको उल्टा करके भी पहन लो तो वो ही सेम दिखती है, तो उसके लेफ्ट राइट के फर्क को खत्म करने के लिए छोटी सी बात को याद रखना, द आंसर हैज टू बी एन माइनस वन फैक्टोरियल फॉर सर्कल्स, क्योंकि उसके लेफ्ट और राइट के फर्क को खत्म करना होता है, इसलिए इट हैज टू बी डिवाइडेड बाय 2। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए यू हैव टू यूज बीड्स और स्टोन्स, माय आंसर हैज टू बी टोटल नंबर ऑफ बीड्स माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2। तो 40th क्वेश्चन में क्योंकि आपके पास 8 बीड्स हैं, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, 7 factorial by 2। आई हैव होप आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं, ट्राई दी वर्कशीट अगेन, फॉलो होम एक्सरसाइज कंप्लीटेड, देन यू कैन मूव डाउन टू योर बुक्स एंड कीप पोस्टिंग योर डाउट्स, फाइन, थैंक यू सो मच फॉर द डे।